सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ इंडियन कार सिमुलेटर 3D। तो भाई लोग, जैसा कि आपसे पता है कि हमारे गेमों में अगर अपडेट ना आए तो हमको हमारे गेम खेलने में मजा नहीं आता, एकदम बोरिंग से लगने लगता, ठीक है भाई। तो उसी को देखते हुए हमारे इंडियन कार सिमुलेटर 3D में हमारा न्यू अपडेट आ चुका है, और हर बार की तरह भाई इस अपडेट में भी हमारी कुछ न्यू कार्स आई हैं, कुछ न्यू ऑप्टिमाइजेशन आए हैं और कुछ न्यू फीचर्स आए हैं, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो भाई, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हाँ तो भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं हमारे गेम में, और भाई अभी देखते हैं हमारा जो मेन अपडेट भाई कार्स का अपडेट होता है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारी आ चुकी है हमारी XUV5W भाई, बिल्कुल ही सेफ एक्सटीरियर देंगे, और भाई हमारी आ चुकी है। हाँ तो भाई अभी टेस्ट करते हैं हमारी टार्ज़न दी वंडर कार को भाई, कि हमारी टार्ज़न दी वंडर कार भाई चलती कैसी है, ठीक है भाई। अभी हम आ चुके हैं हमारे सिटी वाले मैप में, और भाई देखते हैं हमारी टार्ज़न दी वंडर कार कैसी चलती है भाई। एक्सटीरियर में तो भाई थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया गया भाई, आगे से थोड़ा बहुत बोनट कट कर दिया गया, और इंटीरियर में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम इंटीरियर दिया गया भाई। और अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं भाई, कैसी कैसी चलती है, क्या मैक्स स्पीड रहने वाली है और क्या ड्राइव परफॉर्मेंस आता है भाई, भी देखते हैं हमारी टार्ज़न दी वंडर कार का भाई। हाँ तो भाई अभी चलते हैं हमारे ट्रैक पे, देखते हैं इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाने वाली है, ठीक है भाई। अभी मैक्स स्पीड आप चेक करो भाई, 160, 180, 200, और भाई इसकी मैक्स स्पीड तो भाई बढ़ती जा रही है भाई, कितनी होने वाली भाई देखते हैं अभी इसकी। 282 भाई, ओ भाई 282x मैक्स स्पीड भाई। सिटी में तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है भाई, अभी देखते हैं कि इसका विलेज में कैसा परफॉर्मेंस आता है भाई लोग। अभी चल दो, चलते हैं हमारे विलेज मैप में, ठीक है। और भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं हमारे विलेज वाले मैप में, तो भाई अभी गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं भाई इसका कैसा परफॉर्मेंस आता है, सस्पेंशन झेल पाएगी या फिर नहीं। अरे भाई इसके तो सस्पेंशन काफ़ी हार्ड लग रहे भाई मेरे को भाई, इसमें विलेज में इसने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, क्योंकि भाई देखो आप स्पीड ज़्यादा चढ़ रही, और भाई सिंगल लैप का भाई रोड है, तो इस वजह से भाई ये स्पीड अपनी पकड़ ही नहीं पा रही, मतलब गेन नहीं कर पा रही और ड्रिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो विलेज में इसका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया, ठीक है भाई। हाँ तो भाई लोग, अभी चलते हैं हमारी XUV5W को चलाने के लिए, जो कि हमारी परफेक्ट SUV है, और भाई देखते हैं इसका विलेज में कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है। वैसे ऑब्वियस ही बात है भाई कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस गाँव के यानी कि विलेज के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है भाई, ये ऑफ रोडिंग भी अच्छी से कर सकती है। और भाई अभी चेक करते हैं भाई इसका इंटीरियर, तो भाई काफ़ी सेम दिया गया है वैसे, और एक्सटीरियर से भी भाई काफ़ी अच्छी चल रही है। स्पीड भी भाई इसकी चेक कर लो भाई, काफ़ी बढ़िया पिकअप दिया गया इस गेम में। हाँ तो भाई मैन है इसकी ऑफ रोडिंग, क्योंकि भाई SUV है तो ऑफ रोडिंग तो भाई बनती है, कि भाई SUV गाड़ी से अगर ऑफ रोडिंग ना कराएं तो मज़ा नहीं आता भाई। और अभी भाई आप लोग देख सकते हो कि भाई ये ऑफ रोडिंग पे कितना बढ़िया स्लोमो निकाल के दे रही है भाई, काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर रही है भाई। और हाँ भाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई काफ़ी सफिशियंट है ऑफ रोडिंग के लिए। अभी देखते हैं भाई सिटी में कैसी चलती है, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग हो तो फिर ये अच्छी काम कर गई, लेकिन अभी सिटी में देखते हैं, क्योंकि भाई सिटी में देखते हैं लोग लग्जरीज, और भाई ये गाड़ी हमारी परफेक्ट SUV, रगेड SUV, ठीक है। अभी देखते हैं भाई इसका लग्जरियस लुक कैसा दिखता है भाई सिटी में। सिटी में भी भाई ये काफ़ी परफेक्ट जच रही है, और स्पीड भी इसकी काफ़ी बढ़िया, सस्पेंशन भी बढ़िया है इसके। तो भाई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।